पपूतनियाँ बन गई हैं। ये मम्मा अभी इसको मिक्स करिए, मिक्स 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 सारा पेस्ट बन गया ये। जितना भी एलोवेरा जेल था वो सारा मैंने तोड़ के ऐसे करके मिक्स किया है इसे इसे इसे। तीनों पे अप्लाई हो गया, अब 10 मिनट के बाद थोड़ा सा ड्राई होगा, फिर इसको पानी लगा के तो फिर दोबारा रब करेंगे। ग्लो कर रही है, वाइट हो गई, इतनी सॉफ्ट गुगु की हुई है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरी स्किन है जिस तरह पहले हुई थी, बहुत हार्ड थी और बहुत डार्क थी ना, अपने देखो कि आफ्टर बिफोर मेरी स्किन में ऐसे इतनी वाइट वाइट और ग्लो और सॉफ्ट हो गई। अगर यूट्यूब से आप लोग मेरी स्किन को हाथ लगा के देख सकते तो मैं आपको बताती इतनी सॉफ्ट स्किन हुई है, एक्चुअली मैं बहुत सॉफ्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या करने लगे हैं, क्या करने लगे हैं मम्मा? आज हम अपनी स्किन को थोड़ा सा जो है ना पॉलिश करने लगे हैं। यस, टेंशन करने लगे हैं। तो इसके लिए हमने सिर्फ तीन ही चीजें ली हैं। नंबर 1 अरके गुलाब, ये क्या है? बेसन। और ये हमारी सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट एलोवेरा, जिसके पौधे हमारे घर में बहुत सारे लगे हैं। तो क्या प्रोसेस है इसका मम्मा? भी हम इसको डालेंगे एलोवेरा इसके अंदर ये ऐसे करके। ये क्या है? ये आज हम अपनी स्किन की जो है ना तैयारी कर रहे हैं, आपको भी लगाएंगे। ये तकरीबन देखो 1 स्पून होगा एलोवेरा जेल। अगर आपका अपना नहीं है तो आप मार्केट से ले लें। ये तो मेरा बाहर लगा हुआ है, गमले से मैंने तोड़ के लाया है। रेडीमेड लेके भी कर सकते हैं। देखो ये सारा ऐसे मिक्स करो, मिक्स 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 मिक्स। अब हम इसमें डालने लगे हैं रोज वाटर, अरके गुलाब। रोज वाटर कितना डालते हैं उसमें? बेसन के हिसाब से, अगर 3 स्पून है तो 3 स्पून डाल दें, नहीं तो 4 स्पून है 4 डाल दें, 2 है तो 2 डाल दें। ये मम्मा अभी इसको मिक्स करिए, मिक्स 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 मिक्स। सारा पेस्ट बन गया ये। जितना भी एलोवेरा जेल था वो सारा मैंने तोड़ के ऐसे करके मिक्स किया है इसे इसे ऐसे ऐसे। देखो अब मैं बहुत, मुझे जल्दी हो रही है, कब इसको मैं अपनी स्किन में अप्लाई करूं। इसकी स्मेल उसकी तरह, वो ऑप्टन जो होता है ना हम लगाते हैं शादी में, है ना? देखिए देसी ऑप्टन, बेसन, ये एलोवेरा जेल, ये हर घर में मौजूद होता है तकरीबन। आज के दौर में हर घर में ये चीज़ें होती हैं, अरके गुलाब, एलोवेरा जेल और ये बेसन, क्योंकि आजकल पकौड़े खाए जाते हैं। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी, सबसे पहले किस पे अप्लाई करूँगी? मेरे पे, अपने ऊपर, फिर ईमान के ऊपर, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। अभी मैं इसको अप्लाई करने लगी हूँ, सबसे पहले ईमान पे अप्लाई करूंगी, लेकिन ये आके पहले बैठ गई, ये के पहले मुझे लगाएं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ये बच्चों को भी लगा सकते हैं, ये बंदे भी लगा सकते हैं, ये लड़कियां भी लगा सकती हैं, ये सब लगा सकते हैं। देखना आँख के अंदर नहीं लगाना, हेयर बैंड से बचा के लगाना, बालों में ना लग जाए। बहुत खुशी है इसको, इसको मैंने कर दिया इधर मुड़ो, वाह। अब इसको सूखने दो, आराम से बैठ, कपड़े चेंज किए क्योंकि ऐसे कम में कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो मेक श्योर आपको ऐसे कपड़े पहन चाहिए जिससे, या ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको सिर्फ फिंगर से कर रही हूँ क्योंकि इससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैं आपको करके तो फिर दिखाती हूँ। मैंने अप्लाई कर लिया, तो अब 10 मिनट के बाद फिर इनको वॉश करके फिर आपको दिखाऊंगी। जब तक मैं अपना भी लगाती हूँ और फिर खुद भी देख के तो आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? कबूतरियाँ बन गई हैं। शायान लगाओगे जी? आ जाओ, तोड़ के आओ, बैठो इधर। अब ये मेरा शहजादा साहब आए हैं, अब इनके मुँह पे अप्लाई करते हैं, मजा आने वाला है। ये तीनों पे अप्लाई हो गया, अब 10 मिनट के बाद थोड़ा सा ड्राई होगा, फिर इसको पानी लगा के तो फिर दोबारा रब करेंगे, उसके बाद 10 मिनट के बाद इसको वॉश करेंगे। मैंने अपने हाथ में पानी ले लिया और मैं इसको वापस रब करूंगी ताकि वो रब हो जाए पूरा। इसको अगली जिंदगी देती हूँ मैं यहाँ से। पहले रब करके वॉश करके फिर आपको दिखाऊंगी। पहले मैंने अपना फेस वगैरह वॉश कर लिया और इतना अच्छा उसका रिजल्ट है, मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, वाइट हो गई, इतनी सॉफ्ट गुगु की हुई है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरी स्किन है जिस तरह पहले हुई थी, बहुत हार्ड थी और बहुत
डार्क थी ना, और उसका डेड स्किन भी सारी निकल गई क्योंकि जिस हमने रब किया उसकी वजह से सारी डेड स्किन हमारी निकली है, तो बहुत प्यारी स्किन हो गया। सो आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है फेस मास्क और घर में इजीली बन जाता है। ये ऐसी चीज़ से बना है जो सबके घर में होती है, जैसे ऐसी बात है आजकल रोज़ वाटर तो सबके घर में होता है क्योंकि हम फेस में हम स्प्रे करते रहते हैं, और एलोवेरा भी होती है तो बेसन भी होता है, तो ये आप बहुत ईजीली बना सकते हैं अपने अपने घरों में। प्लीज़ ट्राई दिस गाइस, आपको कैसे लगा ये फेस मास्क, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और खुद भी ट्राई करें। तो अपने देखोगे आफ्टर बिफोर मेरी स्किन में ऐसे इतनी वाइट वाइट और ग्लो और सॉफ्ट हो गया। अगर यूट्यूब से आप लोग मेरी स्किन को हाथ लगा के देख सकते तो मैं आपको बताती इतनी सॉफ्ट स्किन हुई है, एक्चुअली में बहुत सॉफ्ट। और इसको देखें